हे गाइस, ये वाला मेकअप तो आपको याद ही होगा। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि इसका फुल वीडियो बनाओ और इसका प्रॉपर आप प्रोडक्ट के साथ दिखाओ। सारे प्रोडक्ट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, फिर भी आप बता रहे थे कि क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, ये लॉन्ग वीडियो में मैं सारे प्रोडक्ट फिर से आप डाल दूंगी। ये सारा मैंने नायका से बाय किया था। एक एक प्रोडक्ट को मैं बारीक से दिखा रही हूँ, मैंने अप्लाई कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी ये लुक क्रिएट कर सको। एंड कुछ लोगों ने पूछा था मैं शूट कहाँ करती हूँ। मैं शूट नेचुरल लाइट में करती हूँ मोस्टली, और नहीं तो मैं गोल्डन आवर में शूट करती हूँ 3 से 4 बजे, और नहीं तो मैं नॉर्मली लाइक लाइट लगा के करती हूँ। मैं रिंग लाइट अब ला के लिया है, मुझे रिंग लाइट में पर्सनली शूट करना पसंद नहीं है। नेचुरल लाइट में वीडियो बहुत अच्छी बनती है। सो ये मेकअप मैंने पहले स्किन केयर किया था, उसके बाद ही किया था, इसकी वजह से ये मेकअप काफ़ी सुंदर हुआ है। फाउंडेशन और कंसीलर अगर आपके शेड का मिल जाए ना, तो फिर आपका मेकअप समझ लो कि बेस्ट होने वाला है। बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत ना भी होना, अगर आपको नहीं आना ना, तो आपका मेकअप अच्छा ही होने वाला है। सो ये वीडियो आप बिल्कुल आराम आराम से देखो, मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ। मैं ब्यूटी ब्लेंडर पर्सनली प्रेफर नहीं करती, क्योंकि सारा प्रोडक्ट उसी में लग जाता है। ब्रश से काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। कंसीलर हाँ बोल सकते हो कि लाइक ब्यूटी ब्लेंडर से होता है। सो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना सरोजनी से ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा था और एक नायका से, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सरोजनी वाला इतना ज़्यादा सख्त था ब्यूटी ब्लेंडर, और ये जो मैंने नायका से लिया वो इतना सॉफ्ट स्पंजी था। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके यूज़ करते हैं, कभी भी ड्राई नहीं यूज़ करते, उससे ब्लेंड नहीं होगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से टैप 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 करके ब्लेंड करो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लगता है हाथ थक जाते हैं, बट ब्लेंड अगर जब तक आप ब्लेंड नहीं करोगे ना, नहीं होगा। कभी कभी मेरा भी हो, कभी कभी होता, जल्दी में होती हूँ ना तो मेरा कंसीलर ब्लेंड नहीं होता है, मैं जल्दी में रहती हूँ तो। सो ये मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग मैंने बहुत लाइट शेड का लिया है, मुझे बहुत हार्ड हार्श कंटोरिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने लाइट लिया है। और इसको बिल्कुल मैं ब्रश की मदद से मेल्ट कर रही हूँ लाइक। और ये वाला टेक्निक ना मैंने कुछ रिसेंटली देखा था, ये यू शेप वाला टेक्निक कॉन्टोरिंग का। और यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ये कॉन्टोर और ब्लश दोनों हैं। अब यहाँ पे हम लिक्विड कंसील लाइक ब्लश यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे काई ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, कैटरीना का ब्रांड है ये, काफ़ी महंगा था ये ना, अभी लाइक ब्लैक फ्राइडे में ना काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। तो ये काफ़ी क्रीम है, इसके बदले आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, काफ़ी ड्यू इसका सिमिलर है। सो ब्लश करने के बाद अब बारी आती है आई शैडो की। तो ये पैलेट बहुत सस्ता है, ये मैंने लाइक 350-400 के अराउंड में लिया था। पैलेट तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। सबसे पहले पिंक शेड लगाया मैंने, क्योंकि मेरी साड़ी पिंक कलर की थी। और उसके बाद ब्राउन शेड लगाया है, और ये वाला जो पैलेट है वो स्विस ब्यूटी का है। सो आई शेडो लाइक अगर कुछ समझ में नहीं आता ना आई शेडो क्या करें, तो आप ना हमेशा लाइट शेड लिया करो, इससे ना आई शेडो भी अच्छा लगता है और बहुत ओवर नहीं लगता। सो मैं यहाँ पे शिमरी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कलर करेक्टर कर रही हूँ, ताकि इस पर ना शिमरी शेडर ये वाला चिपक जाए। सो ये अच्छे से चिपकता नहीं है, इसके लिए ना थोड़ा यूज़ करना पड़ता है लिक्विडी सा। सो ये करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है। बेक करेंगे, बेक के लिए मैं यहाँ पे सारा मेबलिन का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सो बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, ये भी आपको अपने शेड का ही लेना पड़ेगा गाइज। अगर आप दूसरे शेड का लेते हो ना, तो भी बहुत लाइक ये ना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, लाइक कलर चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे मेरी आईब्रोज बहुत थिक है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और ये इनर कॉर्नर में हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा मैं नीचे लगा रही हूँ, मुझ पर काजल सूट नहीं करता। आप चाहो तो काजल लगा सकते हो, कोई लाइट कलर का काजल। सो बेकिंग पाउडर हटा दे रही हूँ मैं, क्योंकि सेट हो चुका है। थोड़ा सा मैं लाइनर, लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो जेल भी यूज़ कर सकते हो। लाइनर हमेशा ध्यान से यूज़ करना, अदरवाइज अगर वो ख़राब हुआ ना, तो आई मेकअप पूरा बेकार लगता है। और बाय द वे, बहुत लोगों ने कहा था कि आपकी आई लैशेज काफ़ी ऑकवर्ड लग रहे हैं। मेरी नेचुरल है आई लैशेज, इतनी बड़ी है ना कि मैंने फेक लगाना ही नहीं था, मैंने लगा लिया ना तो काफ़ी थिक लग रही थी। आप वीडियो में देखना, पहले मैं मस्कारा कर लूँ। स्विस ब्यूटी का आई लैश फेक आई लैशेज है ये, शायद मैंने गलत शेड में ले लिया, पता नहीं क्या, काफ़ी बड़ी है। मैंने इसको कटिंग करा, फिर भी ये बड़ी लग रही थी, क्योंकि मेरे नेचुरल आई लैशेज इससे बड़े हैं। तो बस मैंने लगा लिया। अब लास्ट में मैं हाईलाइटर कर, मैं आपको बताऊं कि जब भी हाईलाइट, ये वाला मेरा लिपस्टिक पैलेट है जो आप बोल रहे थे, इसमें सारे लिपस्टिक्स मिल जाते हैं आपको, मिक्स एंड मैच करके लगाए थे मैंने न्यूड शेड। तो मैं आपको बताऊं कि हाईलाइटर तब करना चाहिए जब आप पूरा प्रॉपर मेकअप सेटिंग स्प्रे करने के बाद, इसके बाद हाईलाइटर यूज़ करोगे ना, तो ज़्यादा बिल्कुल अच्छा मेकअप काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है। और ये ग्लॉस है, ग्लॉस स्विस ब्यूटी का है, लिप लाइक प्लम्पर ग्लॉस है। आप इसके बाद मेरा मेकअप ये पूरा लाइक कंप्लीट ही होने वाला है। अब ये सेटिंग स्प्रे मैं फेसेस कैनेडा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो स्विस ब्यूटी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है।
और साड़ी में चूज़ मैंने कुछ साड़ीज ऑप्शन थे मेरे पास, तो ये सारे पिंक ही थे, एक लहंगा था तो मैंने ये पीच वाला चूज़ करा था, एक डार्क पिंक था वो बहुत हैवी था, मैंने पीच वाला चूज़ करे, काफ़ी शिमरी है। साड़ी का लिंक मेरे पास नहीं है, मैं अपनी सिस्टर से लेके दे दूँ क्योंकि साड़ी उसी की थी, साड़ी पहनाने में भी उन्होंने ही हेल्प करी थी। बहुत लोगों ने कहा था कि आप बहुत मोटे लग रहे हो, तो मैं हूँ मोटी तो मोटी लगूंगी। और ये इयररिंग्स मैंने स्टड्स, ये मैंने 200 में लिया था, ये बहुत सुंदर सा इयररिंग है, इस पर मैच कर रहा था, और बिंदी भी मैंने स्टड वाली लगाई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ये मेरा लुक कंप्लीट होता है, बालों को मैंने खुला छोड़ दिया था और थोड़ी देर बाद बन बना लिया था क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं। चूड़ी इस पर पीच जा सकती थी बट मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सिल्वर वाली चूड़ी पहन ली और अब ये मेरा लुक कंप्लीट होता है। अगर आपको लुक मेरा पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।